अगर आपको आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल मोहिनीस मील हब को और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आपको आज की रेसिपी रेलिवेंट लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मुगलई एग करी बनाने से पहले बेस ग्रेवी के लिए हमें एक प्यूरी बना के प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले ब्लेंडिंग जार में मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच रफली चॉप किया हुआ अदरक, 4 से 5 गुनगुने पानी में सोख किया हुआ काजू। और काजू को हम सोख करके इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि काजू आसानी से पिस जाए। और काजू के साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 सोख किया हुआ बादाम, बादाम का मैंने छिलका हटा दिया है। ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 2 हरी मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 3 हरी इलायची, 8 से 10 दाना काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच खसखस, 1/2 छोटा चम्मच शाह जीरा और 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1/4 कप पानी और अब हमें इसकी एक फाइन प्यूरी बना लेनी है। मुगलई एग करी के बेस ग्रेवी के लिए प्यूरी हमने बना ली है। प्यूरी को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इस प्यूरी को हम साइड में रखेंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 6 उबले हुए अंडे और इन अंडों में हमें कुछ मसाले मिक्स करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच नमक, या फिर नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब इन मसालों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे अंडे के ऊपर। तो मसाले बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुके हैं अंडे के ऊपर और अब इन अंडों को हमें फ्राई कर लेना है। अंडे को फ्राई करने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल को कढ़ाई में गरम कर लिया है और अब हम इसमें अंडे डाल देंगे और अंडे को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। अंडे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब इस सेम कढ़ाई में मैं करी बना के प्रिपेयर करूंगी। आप चाहें तो दूसरी साफ कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में पहले से ही 1 से 2 बड़े चम्मच के करीब तेल है तो मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं ऐड करूंगी। और अब तड़के के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्टार एनीस, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे तेल में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़े साइज का फाइन चॉप किया हुआ प्याज। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे नमक ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अब हल्का सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे प्रिपेयर की हुई प्यूरी। और बोल में जो प्यूरी लगी हुई है इसी में आपको थोड़ा सा पानी ऐड करके ऐड कर देना है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने हल्दी मिर्च और नमक ऑलरेडी ऐड कर लिया है। ऐड कर रही हूँ अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। गरम मसाला पाउडर हम इसमें बाद में ऐड करेंगे।
एक बार मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। और अब आपको फ्लेम को लो कर लेना है और लो फ्लेम पे ढक के हम मसालों को कम से कम 10 से 12 मिनट तक फ्राई करेंगे, तब तक जब तक कि मसालों का कलर जो है वो हल्का सा चेंज ना हो जाए और मसालों के सरफेस पे ऑयल ऊज आउट ना हो जाए। लो फ्लेम पे मसालों को फ्राई करते वक्त अगर आपको लगे कि मसाले कढ़ाई में नीचे चिपक रहे हैं तो आप इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके दोबारा से मसालों को लो फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। मसालों की फ्राई होते ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ज़रा सी कसूरी मेथी, फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे हम इसमें, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आप इस एग करी को सर्व करना चाहते हैं गर्मा गर्म चावल के साथ तो आप इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी थिक चाहिए। लो फ्लेम पे हम दोबारा से ढक के इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। मुगलई एग करी बनके तैयार है और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इस मुगलई एग करी को आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी, चावल या पुलाव के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।